hello everyone i wholeheartedly welcome you all to our channel and as you all know that today we are going to discuss latin proverbs which are extremely famous and uh, which are frequently asked in the examination okay and uh, today it's going to be last uh, class for proverbs after today's class we are going to deal with some grammar topics

बहुत ज़्यादा प्रोवर्ब्स हम लोग पी के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं ठीक है और जो भी पढ़ाई हुआ है उसका रिवीजन प्लीज़ करते रहिए नहीं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा एग्ज़ामिनेशन के वक्त ओके तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग लैटिन अमेरिकन प्रोवर्ब्स के बारे में जानते हैं लैटिन अमेरिकन प्रोवर्ब्स आर नोन एज डीचोस और रिफ्रेंस, इट मीन्स सेंग्स और रिफ्रेंस। तो लैटिन अमेरिकन प्रोवर्ब्स को डीचोज भी कहा जाता है रिफ्रेंस भी कहा जाता है और ये दोनों का मीनिंग है सेंग्स और रिफ्रेंस ओके सभी का माने एक ही है सेंग्स प्रोवर्ब्स नाइट दोस्तों जो ये सेंग्स है वो कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी चीज़ें ये कंट्रीज से हम लोगों को मिला है वो लाइफ लॉन्ग के लिए है और इसमें जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस नहीं ऐसा नहीं है कि मैक्सिको में स्टार्ट हुआ है तो मेक्सिको के लोग ही सुनेंगे सेंट्रल अमेरिका में हुआ है किसी प्रोवर्व का ओरिजिन तो सेंट्रल अमेरिका में ही एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं जैसा कि मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस में बताया था तो एक बार हम लोग बैकग्राउंड जान जानते हैं तो हम लोग को कोई भी कंट्री के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं मेन है चीज़ उसका मीनिंग पता होना और उसके एप्लीकेशन का ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू प्रोवर्ब्स मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स ओके आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल लेट्स मूव टूअर्ड्स दी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट प्रोवोवेज बोथ रेपुटेशन एंड मनी आर अर्न स्लोली एंड लॉस्ट क्विकली रेपुटेशन मतलब इंसान का जो मान नाम ख्याति है वो पैसा ये दोनों कमाने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन गंवाने में एक सेकेंड भी नहीं लगता एक बुरी खबर आपके बारे में जानेंगे और पूरा रेपुटेशन आपका ज़मीन पे आ जाएगा ठीक है चलिए मीनिंग देखते हैं इसका इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड योर रेपुटेशन एंड अर्न मनी बट नॉट वेरी लॉन्ग टू लूज ईदर ठीक है दोनों ही एक सेकेंड में धूल हो जाता है अगर हम लोग के बारे में कुछ गलत या फिर अफवाह भी हो सकता है वो स्प्रेड हो जाए ऑल मस्ट बी केयरफुल ऑलवेज बोथ रेपुटेशन एंड मनी आर अर्न स्लोली एंड लॉस्ड क्विकली जो मनी है वो हम लोगों को रेपुटेशन और मनी को कमाने में टाइम लगता है लेकिन गंवाने में कुछ वक्त नहीं लगता बस एक गलत न्यूज़ या फिर आपके बारे में अफवाह फैलाना काफ़ी है ओके नेक्स्ट इज़ आई एम इन अ हरी देफ आई गो स्लोली आई एम इन अ हरी दे फो आई गो स्लोली देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन है हरी और स्लोली लेकिन इसका कहना यह है कि कोई भी काम वर्किंग मेथोडिकली मेथड के साथ में प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा और उसको उस तरीके से करने पे हम लोग सक्सेसफुल होएंगे ठीक है हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं आई मीन हरी मुझे कुछ पाने का जल्दबाजी है देफ आई गो स्लोली और ऐसा नहीं है कि काम इनकम्प्लीट करके प्रोसेस को आधा पे छोड़ के वो सक्सेस अचीव कर ले वो सक्सेस अगर अचीव भी कर लेगा तो वो टेम्प्रेरी होगा ओके okay? इसलिए जो भी इंसान है उसको जल्दबाजी है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने का लेकिन वो टाइम लेके पहुंचना चाहता है सही तरीके से मैथडिकली प्रोडक्टिव होके ओके मेथडिकली मतलब हर, हर प्रोसेस को स्टेप वन टू थ्री जो भी प्रोसेस है ये किसी भी काम के लिए एप्लीकेबल है राइट वो कंप्लीट करके जो कि ये कंप्लीट होने के बाद ही तो प्रोडक्टिव होगा ना ठीक है तब वो अपना टारगेट अचीव करना चाहता है ऐसा नहीं कि जोड़ तोड़ के कर लिया और बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए ओके okay, एग्जाम्पल देखते हैं इवन दो वर्क इज अर्जेंट आई विल टेक टाइम ऑल नोज वेन आई एम इन हरी आई गो स्लोली ओके next is if you want to dance pay the musician meaning if you want something to happen make it happen if you want to learn some skills then you have to pay the musician isn't it or the person from whom you are getting the skills it could be a teacher it could be a doctor it could be carpenter anyone okay if you want to learn something you have to pay some money if you really want to learn some skill यू मस्ट कम आउट ऑफ होम एंड फिल द फॉर्म यू मस्ट हैव हर्ड द प्रोव इफ़ यू वॉन्ट टू डांस वे द म्यूजिशियन कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना ज़रूरी होता है अगर कोई कुछ स्किल्स सीखना चाहता है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा फिर उसके डेडिकेशन उसके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं ठीक है तो इसका मतलब ये कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट इट इज़ बेटर टू बी बाय योर सेल्फ दैन पुअर् ए इसका एक और प्रोवर्व है वो है गलत संगत से अकेला रहना बेहतर ओके okay, हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा बींग विद रॉन्ग पीपल इज वर्स देन बींग अलोन गलत लोगों के साथ आप रहेंगे तो क्या होगा उन लोग गलत चीज़ सिखाएंगे ओके और जितना भी बुरा आदत है उसके लत में आप डूब जाएंगे लेकिन अकेले रहेंगे तो क्या होगा एक ही प्रॉब्लम होगा आपको कि आप अकेले हैं ठीक है ऐसा तो नहीं कि आपको दुनिया भर का गलत चीज़ गलत आदत लग जाएगा और टाइम भी वेस्ट करेंगे उसमें और पैसा भी वेस्ट करेंगे है ना तो इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ बेटर टू बी योर सेल्फ दैन पोअली कंपेनिट या तो अच्छे लोगों के साथ में रहे या फिर किसी के साथ में नहीं रहे आई एम डाई फैन ऑफ ट्रैवलिंग बट आई डोंट हैव राइट कंपनी सो इट्स बेटर टू बी माई सेल्फ देन पुअली ए उसको ट्रैवलिंग पसंद है लेकिन किसके साथ जाएगा इसलिए जाने के लोग नहीं हैं लेकिन वो रॉन्ग कंपनी के साथ भी नहीं जाना चाहता ही हु स्ट्राइक्स फर्स्ट स्ट्राइक्स ट्वाइस इसका मतलब है द पर्सन हु एक्ट्स फर्स्ट हैज़ द एडवाटेज जो पहले कोई काम करता है उसको दोगुना मुनाफा होता है ठीक है आई स्टार्ट एन एंड्रॉइड ऐप एट फर्स्ट एंड नाउ इट्स पॉपुलर अमंग ऑल इट इज़ राइटली सेट हु स्ट्राइक्स फर्स्ट स्ट्राइक्स ट्वाइस जो काम सबसे पहले करता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है उसके बाद में जो भी कॉपी करके बनाते हैं या कॉपी करके वो चीज़ों को लॉन्च करते हैं उसमें उतना मज़ा नहीं है उसमें उतना प्रॉफिट नहीं है उसमें उतना नेम और फेम नहीं है जितना कि फ़र्स्ट बार करने से है ठीक है इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ जैसे आ, वीडियो बनाने वाले एप्लीकेशंस बहुत सारे प्ले स्टोर में हैं लेकिन उसमें से जिसने फर्स्ट बनाया उसका वैल्यू ही दूसरा होगा और बाकी लोगों का वैल्यू दूसरा होगा है ना इसीलिए जिसने पहले बनाया उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और उसको पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि एक चलाएगा तो दूसरा शेयर करेगा दूसरे को शेयर करेगा है ना तो वैसे मनी जनरेट होगा तो पैसा ही नहीं हर चीज़ में उसका बढ़ोत्तरी होता है जो कि पहले काम करता है ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट नो वन इज अ प्रॉफिट इन देयर ओन लैंड मीनिंग इसका है प्रॉफिट मतलब जो प्रचारक होते हैं धर्म गुरु जिसको बोलते हैं पीपल टेंड टू वैल्यू एग्जॉटिक एंड एक्सपीरियंसेस रादर एक्सपीरियंसिसन व्हाट दे हैव इन देयर ओन लाइव्स इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर ठीक है घर में जो भी चीज़ें बनती हैं वो उसका वैल्यू नहीं होता लेकिन वही दाल अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे तो उसमें अलग ही आपको मज़ा आएगा अलग ही टेस्ट आएगा ठीक है तो इसका कहना यही है कि जो नो वन इज़ प्रॉफ़िट इन देयर ओन लैंड जो भी अपने घर में हैं अगर विद्वान भी हो तो उसका वैल्यू नहीं होगा जितना कि बाहर वाले वैल्यू देते हैं उतना घर वाले नहीं देंगे द मैन इज वेरी लर्नड बट इन हिज विलेज हिज नॉलेज इज नॉट वैल्यूड ऑल नोज दैट नो वन इज अ प्रॉफिट इन देयर ओन लैंड एक बहुत जानकारी वाला इंसान है उस गांव में लेकिन उसका वैल्यू नहीं है क्योंकि सबको पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज Since we cannot get what we like, let us like what we can get. Now, yahan यहाँ पे क्या बोला गया है Appreciate what you have even if it's not very much ab आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले कभी कभी ऐसा होता है कि hard work, फुल fledgedly हम लोग करते हैं लेकिन हम लोगों को उतना अचीवमेंट नहीं मिलता तो उस वक्त भी हम लोगों को सेटिस्फाई रहना है जो हम लोगों के पास है हम लोगों को कंपेयर करना है अपने पास जो है वो उसके साथ जिसके पास कुछ भी नहीं है अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों को दुख कम होगा और हम लोग आगे के बारे में जो नहीं मिला उसको अचीव करने के लिए कोई प्लान आउट कर सकते हैं लेकिन अगर ये सोच के हम लोग डिप्रेस हो जाए कि मुझे वो नहीं मिला मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो हम लोग पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए

हैं। द फ्रूट इज बाय द ट्री जो फ्रूट है वो पेड़ से पहचाना जाता है चाइल्ड्स रेपुटेशन इज डिट बाई देर फैमिलीज रेपुटेशन एक बच्चा जो है उसका रेपुटेशन उसके परिवार से देखा जाता है अगर कोई बोले कि वो परिवार से बिलोंग करता है तो उन लोग सोचने लगेंगे कि वो परिवार अगर अच्छा है तो बच्चे के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे अगर वो परिवार में सब गुंडे लोग भरे हुए हैं तो वो जो भी इंसान सुनने वाला है वो सोचेगा कि ये भी बच्चा गुंडा है है ना तो इसी का मतलब है द फ्रूट इज नोन बाय द ट्री लेट्स द एग्जांपल योर चाइल्ड इज सो रिस्पेक्टफुल इट्स ट्रू द फ्रूट इज़ नोन बाय द ट्री बच्चा बहुत ही रिस्पेक्टफुल है सबको आदर भाव करता है इसलिए उसके संस्कार से उसके फैमिली के बारे में पता चलता है इन द माउथ ऑफ द लायर द ट्रूथ इज डाउटफुल जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनसे हर चीज़ अगर सच भी बोले तो उस पर डाउट होगा ओके इफ समान हैज़ ऑलरेडी गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही विल नॉट बी ट्रस्टेड जो पहले ही गलत इंफॉर्मेशन दे के सबको भड़का चुका है वो सच भी बोले तो उस पर बिलीव नहीं करेगा कोई इफ रवि हैज़ गिवन दिस न्यूज देन आई डाउट आई डाउट इट एज इन द माउथ ऑफ द लायर द ट्रूथ इज डाउटफुल रवि ने बहुत सारा झूठ बोला है पास्ट में इसलिए आज का न्यूज़ सच है लेकिन फिर भी इंसान जो लोग हैं उसके गाँव वाले वो बिलीव नहीं करेंगे उसको क्योंकि वो सोचेंगे ये तो गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है नेक्स्ट इफ़ यू हैव अ टेल ऑफ अस्ट्रॉ देन कीप अवे फ्रॉम द फायर इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो इसका होगा जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते या फिर जो खुद बहुत सारी गलतियां करके बैठे हुए हैं वो दूसरों की गलतियों को न गिने आई नो हाउ मेनी स्कैंडल्स यू हैव डन इन द पास्ट सो इफ यू हैव अ टेल ऑफ स्ट्रॉ देन कीप अवे फ्रॉम द फायर स्ट्रॉ मतलब घास फूस जो है ना होता है ना ड्राइड वाला जो कि हम लोग एनिमल्स को देते हैं खाने के लिए वो उस पर आग बहुत जल्दी लगती है सिर्फ एक तिनका जलाने का ज़रूरत है और पूरा वो जो स्ट्रॉ है वो जो घास है वो सब जल के राख हो जाएगा तो जिनका जिनके घर शीशे के हो वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते मतलब जो खुद वर्ल्ड हो ओके okay, जो खुद वर्ल्डल हो वो दूसरे को चैलेंज ना करें क्योंकि फायर को अगर गुस्सा आया तो क्या होगा इसको जला के राख कर देगा है ना इसीलिए दूसरे की गलतियों को मत देखें खुद को देखें कि खुद में कितना खोट है नेक्स्ट इज वेरी इमोशनल वन द वन हु लव्स यू विल ऑल्सो मेक यू क्राई जो आपसे प्यार करता है वही आपको रुलाता भी है उसका हक है और बिकॉज ऑफ इमोशनल कनेक्शन लेट मी रीड आउट द मीनिंग एंड देन आल एक्सप्लेन इफ़ यू हैव इमोशनल कनेक्शन देन यू क्राई अगर आपको किसी के प्रति इमोशन है अगर आपका किसी के प्रति इमोशन है तो उसके दुख में आप दुखी रहोगे उसके सुख में सुख अगर वो कुछ डांटे तो आप रोओगे, है ना? अगर वो कुछ इधर उधर की बातें करता है तो आपको रोना आ जाएगा ये इसलिए संभव है क्योंकि जो लोग हैं वो इमोशनली कनेक्टेड हैं जो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उसको कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिल नहीं दुखता उससे ठीक है आई एम फार फ्रॉम हर आई वॉन्ट टू सी हैप्पी बट द वन हु लव्स यू विल ऑल्सो मेक यू वीप विप मतलब रोना ठीक है तो यहाँ पे इसका मतलब यही होगा जो इमोशनली कनेक्टेड है वो हम लोगों के दिल भी कभी कभी दुखाते हैं वो दूर जाते हैं तो दिल दुखता है वो कुछ बोल देते हैं तो दिल दुखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते प्यार करते हैं लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है ओके यू कांट क्लेम हेवन एज योर ओन इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू सिट अंडर इट इसका मतलब है जो आपके पास पोजेशंस हैं ओके जो आपके पास संपत्ति है या फिर धन दौलत जो भी है या फिर कुछ चीज़ ही है मटेरियलिस्टिक चीज़ वो आपके पास है तो आप उसको केयर करके रखना चाहिए ठीक है अदरवाइज वो आपके काम लायक नहीं रहेगा राइट right? तो जो भी पोजिशन आपके पास है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी आप ही का है अगर घर है तो घर को सफाई करना आपका आप ये नहीं बोल सकते कि हेवन आपका है कि और आप उसके नीचे सोओगे हेवन के प्रति आपको ड्यूटी भी निभाना पड़ेगा यू हैव टू क्लीन द किचन आफ्टर कुकिंग फूड यू कांट क्लेम हेवन एज योर ओन इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सिट अंडर इट सिर्फ उसका जो सीट अंडर इट मतलब उसका बेनिफिट लेना ठीक है हेवन का बेनिफिट लेना और हेवन के लिए कोई काम नहीं करना अगर ऐसा है तो ये गलत है आपके पास अब सो अब मानते हो कि हेवन आपका है तो आपको हेवन के लिए भी काम करना पड़ेगा उसकी देख रेख उसका सिक्योरिटी उसका प्रोटेक्शन सब देखना पड़ेगा और यहाँ पे इसका हेवन का मतलब जो कुछ भी चीज़ जो कि आपके पास अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल मम्मी आपके मम्मी है तो आप दुनिया में ढिंडोरा सिर्फ ये नहीं बिटोगे कि आपके पास मम्मी है मम्मी है आप मम्मी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको वो भी आपको दिखाना पड़ेगा करना पड़ेगा मम्मी के लिए लेट्स मूव अहेड फ्रेंड्स टू अनदर प्रोवर्व एंड इट गोज लाइक दिस अ लर्नड मैन इज ट्वाइस बॉर्न जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं वो दो बार जन्म लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ दो बार इसका मतलब है बार बार वो जन्म लेते हैं ठीक है और नॉलेजेबल मैन विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज नॉलेज अगेन एंड अगेन तो देखिए यहाँ पे जो नॉलेज वाले इंसान हैं वो मरने के बाद भी उनके बारे में बात किया जाएगा और उनके नॉलेज की तारीफ की जाएगी इसीलिए वो बार बार जन्म लेते हैं मतलब जो मर जाते हैं उसका बात ही हम लोग नहीं करते है ना तो जो अच्छे लोग हैं जो जो जिसने सोसाइटी को कुछ दिया है उन लोगों के बारे में हम लोग बार बार, बार बातें करेंगे जिस हम जीवित करते बातें के थ्रू ओके okay? इसको कहते हैं अ लर्नड मैन इज ट्वाइस बॉर्न सुशांत सिंह राजपूत विल नेवर बी फोगॉटन एज अ लर्नड मैन इज ट्वाइस बॉर्न सुशांत सिंह राजपूत को कोई कभी नहीं भूलेगा ये इसलिए क्योंकि उसके पास जो भी नॉलेज था इसकी वजह से वो हर बार जिंदा होते रहेंगे यहाँ पे दो बार लिखा है ओके लेकिन इसको सिर्फ दो बार पे सीमित नहीं करेंगे हम लोग बार बार पे एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो कभी नहीं मरते यू डोंट हैव टू कट अ ट्री डाउन टू गेट एट द फ्रूट आपको पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है फल को खाने के लिए थिंग्स कैन बी अचीव ईजिली थ्रू अदर मीन्स देखिए दुनिया में एक ही तरीका नहीं है जिससे कि एक काम किया जा सके उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं ओके किसी को बिना डैमेज किए भी अगर हम लोग का काम हो जाता है तो वो काम करने के लिए उत्सुक होना चाहिए हम लोगों को ये नहीं कि मुझे पेड़ फल खाना है तो मैं पेड़ को ही काट दूँ वो खाने के बाद क्या होगा टेम्पररी बेनिफिट होगा ना आप एक फ्रूट खा पाएंगे दो फ्रूट खा पाएंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा आप वो पेड़ नहीं रहेगा तो आप नहीं खा पाएंगे इसलिए थिंग्स कैन बी अचीव ईजिली थ्रू अदर मीन्स कोई भी चीज़ को काम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता दूसरे भी तरीके होते हैं जिसको कि हम लोग को देखना है जिससे कि डैमेज ना हो किसी को जिससे कि दुख ना हो किसी को किसी का लॉस ना हो अवॉइड चीटिंग यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम थ्रू हार्ड वर्क यू डोंट हैव टू कट अ ट्री डाउन टू गेट एट द फ्रूट एग्जाम में चीटिंग करके ही पास करेंगे इसका ज़रूरत नहीं है आप हार्डवर्क करके भी पास कर सकते हैं ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं एट होम सेंट्स नेवर परफॉर्म मेरेकल्स ये पहले एक हम लोगों ने प्रोवर्व ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर ओके okay? तो इसका सेम सिनोनिम है ये एट होम सेंट्स नेवर परफॉर्म मेरेकल योर टैलेंट योर टैलेंट ओके यहाँ पे यू हो गया है प्लीज चेंज इट योर टैलेंट हैज़ नो वैल्यू एट होम घर की मुर्गी दाल बराबर जितना भी आपके पास क्वालिटी हो क्वालिफिकेशन हो घर के वाले आपको उतना वैल्यू नहीं देंगे जितना कि बाहर वाले देते हैं यू माइट बी अ कैप्टन ऑफ द टीम बट एट होम यू आर जस्ट अ मेम्बर हैव यू हर्ड द प्रोव एट होम सेंट्स नेवर परफॉर्म मेरेकल्स ओके घर में प्रोफिट मतलब सेंट्स मतलब जो ऋषि uh, मुनि हैं ओके okay, जो संत लोग हैं वो वो शक्तियों के द्वारा मेरे कल परफॉर्म करते हैं लेकिन अपने घर में नहीं कर पाते क्योंकि उनका कोई वैल्यू नहीं होता हैविंग अचीव अ गोल इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन इट एक गोल को अचीव करने के बाद एक टारगेट को पार करने के बाद उस टारगेट पे रहना बहुत ही मुश्किल है वो अचीव तो कर लेंगे किसी तरह लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है मान लीजिए किसी एक हीरो ने एक बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट दिया लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो दे पाएगा जब तक कि स्क्रिप्ट दमदार ना हो जब तक कि एक्टिंग दमदार ना हो वो नहीं दे पाएगा इसलिए उसको वो प्लेस पे बैठे रहना मुश्किल हो जाता है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ओके वही इसका यहाँ पे कहना है रीचिंग टू हाईअर पोजिशन इज़ ईजियर देन बींग देयर फॉर एवर हाई पोजिशन पे पहुँचना बहुत ईजी है कंपेयर टू वहाँ पे हमेशा के लिए रहना ओके विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज ईजी बट हैविंग अचीव्ड अ गोल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटेन इट इंडिया ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार हर साल जीत पाएगा हर चार साल में जो वर्ल्ड कप आता है वो जीत पाएगा है कि नहीं इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ओके okay? और हर तरह से अप टू तो डेट रहना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा ओके okay? तो इसका कहना यही है कि जितना भी हार्डवर्क कर लें वो प्लेस पे मेंटेन करने के लिए उससे भी ज़्यादा हम लोग को हार्डवर्क करना पड़ेगा वुमेन इज लाइक योर शेडो फॉलो ह शी फ्लाइज फ्लाई फ्रॉम हो शी फॉलोज यहाँ पे वुमेन जो है उनका जो माइंडसेट है वो कंफ्यूज रहता है कभी फॉलो करना चाहती है कभी दूर भागना चाहती है तो इसी को दर्शाया गया है इस मीनिंग के साथ टू हैव कन्फ्यूज माइंड वुमेन आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड बट दे आर लाइक शेडो एज वेल फॉलो हो शी फ्लाइज फ्लाई फ्राम हो शी फॉलोज वो उल्टा ही करेगी क्योंकि उसका माइंड सेट कन्फ्यूज है नेवर बी डेट बाई दी क्लोजिंग ऑफ वन डोर डेटड मतलब रुक जाना हॉल्ट होना ओके okay? कभी भी एक दरवाज़ा बंद हुआ ये सोच के रुकना नहीं है नेवर स्टॉप ट्राइंग उसको दूसरे तरीके से कीजिए फिर से ट्राई कीजिए दूसरे डोर पर नॉक कीजिए ओके okay, वो खुला रहेगा या फिर आपको उसको खुलने के लायक बनाना पड़ेगा अपने हार्डवर्क से राइट नो इश्यूज़ इफ़ यू फेल इन इंडिया एग्ज़ाम्स एज वन शुड नॉट बी वन शुड नॉट एवर बी डेटर्ड बाई दी क्लोजिंग ऑफ वन door. एक दरवाज़ा बंद हुआ इसलिए हम लोगों को गिव अप नहीं करना है हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ देना है इट टेक्स टू टू टेंगो टेंगो एक डांस फॉर्म है जिसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है ठीक है तो इसका कहना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरे का कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं होता समास्क आर इम्पॉसिबल विदाउट कोपोरेशन जब तक दो लोग ना हो तब तक एक कुछ काम है ऐसा जो कि पॉसिबल नहीं होता वाई डिड शी बीट यू टेल मी वॉट डिड यू डू टू ह इट टेक्स टू टू टैंगो तुमने कुछ किया होगा तभी उसने भी तुमको पीटा या फिर छेड़ा ओके okay? क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है ओके और डॉग दैट बार्क्स ऑल द टाइम गेट्स लिटल अटेंशन जो कुत्ता हमेशा भोगता है वो ज़्यादा अटेंशन नहीं गेन कर पाता अगर वो चोर के आने पर भी भोंकेगा तो कोई अटेंशन नहीं देगा वो सोचेगा कि अरे हमेशा की तरह ये भौंक रहा है ठीक okay? है तो इसका मतलब यही है कि अपना जो एक्शन है अपना जो वर्ड्स है उसको वाइजली यूज़ कीजिए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ कीजिए नहीं तो अदरवाइज पीपल विल नॉट वैल्यू यू एट ऑल ओके यूज़ योर वर्ड्स एंड एक्शन वाइजली एल्स पीपल विल नॉट वैल्यू यू ये तो सही है हमेशा चप्पड़ चप्पड़ करने वाला जो इंसान होता है उसको कोई ध्यान नहीं देता लेकिन जो इंसान समय पे बोलता है सही बोलता है उस पर सभी का कान खड़ा रहता है है ना स्टॉप नैगिंग ऑन ट्रिवियल इश्यूज ट्रिवियल मतलब छोटा मोटा अ डॉग दैट बार्क्स ऑल द टाइम गेट्स लिटिल अटेंशन जो कुत्ता हमेशा भोंगते रहता है उसको कोई अटेंशन नहीं मिलता है इसलिए छोटे छोटे चीजों पे इशू बनाना बंद करो द डॉग दैट डज नॉट वर्क डज नॉट फाइंड अ बोन वर्क एंड गेन जहाँ पे काम नहीं होगा वहाँ पे गेनिंग भी नहीं होगी जो कुत्ता बाहर जा के मेहनत नहीं करता उसको हड्डी भी नहीं मिलती जो इंसान बाहर जा के काम नहीं करता उसको खाना भी नहीं मिलता बाहर जा के करे या घर में करे काम तो करना है ऑनलाइन ऑफलाइन काम करना है तभी उसको खाना मिलेगा इसका मतलब यही है काम करो और उसका मेहनत आना लो स्टेइंग होम विल नॉट गिव यू फूड यू हैव टू मूव आउट द डॉग दैट डज नॉट वॉक डज़ नॉट फाइंड अ बोन ओके okay, यहाँ पे वॉकिंग तो लिखा है बट इट डज नॉट मीन आपको बाहर जाना है काम करना है ओके यू हैव टू फोकस हियर द वर्क दैट द पर्सन हैज टू डू इन ऑर्डर टू गेन फूड ओके लेट्स मूव टू अनदर प्रोव टू लेजरली यूथ लेबोरियस ओल्ड एज जो जवानी में मस्ती करते हैं लेजरली मतलब बिना काम के बैठे रहना ओके okay? अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना ना किसी का चिंता ना किसी का फिक्र ओके okay, उसका ओल्ड एज मेहनत करते हुए जाता है लेबोरियस लेबर ओके लेबर मतलब काम करना तो ओल्ड एज तो आराम करने का वक्त होता है लेकिन उस वक्त भी उसको काम करना पड़ेगा जो कि अपने जवानी को बर्बाद करता है इफ़ यू वेस्ट योर टाइम वेन यू आर यंग यू विल वर्क हार्ड वेन यू आर ओल्ड ओके जब आप बुढ़ापे में चले जाएंगे बुढ़ापा हो जाएगा आपका तब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप जवानी में काम करके अपने लिए सिक्योर फ्यूचर नहीं बनाते हैं ब्रदर प्लीज़ बी सीरियस फॉर योर करियर रिमेंबर टू लेजरली यूथ लेबोरियस ओल्ड एज अपने भाई को कोई समझा रहा है या रही है कि जिस जवानी है उसको ऐसे ही वेस्ट मत करो अभी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यंग हो एनर्जी है काम करो फ्यूचर बनाओ नहीं तो बुढ़ापे में बहुत काम करना पड़ेगा। हियर्स है पर्सन हु उसको रिजल्ट मिलता है यहाँ पे सिर्फ बोलने से यहाँ सिर्फ बोलने तक लिमिटेशन नहीं है काम पे भी है ठीक है यू हैव टू वर्क टू गेट जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आप भगवान से बोलेंगे नहीं तो आपको कैसे कुछ मिलेगा है ना तो इसलिए आपको बोलना है ताकि भगवान भी आपकी मदद कर सके विदाउट एक्शन यू विल नॉट गेट रिज़ल्ट यू शुड विल नॉट गेट रिज़ल्ट यू शुड कीप इन माइंड गॉड हियर्स द पर्सन हु स्पीक्स तो आपको काम करना है तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा चुपचाप रहेंगे तो कोई अंतर्यामी नहीं है जो समझ लेगा भगवान को भी बोलना पड़ता है दिल से बोलिए, मुंह खोल के बोलिए लेकिन बोलना पड़ता है तभी वो सुनते हैं ओके तो इसका मतलब यही है इट्स बेटर टू ईट ब्रेड विथ लव दैन फाउल विथ ग्रीफ ओके यहाँ पे ब्रेड तो पता है आपको क्या है फ़ाउल मतलब एक चिड़िया जिसको इंसान खाते हैं ओके ग्रीफ मतलब दुख इट इज़ बेटर टू ईट ब्रेड विथ लव ब्रेड जो है वो प्यार से खाना बेहतर है न कि एक एक्सपेंसिव uh, चीज़ एक बर्ड उसको दुखी मन से खाना ब्रेड खा के ही खुश हो जाएंगे लेकिन शांति और प्यार चाहिए इफ़ देर इज़ लव देर इज़ पीस अगर जहाँ पर प्यार है वहाँ पर शांति भी है आफ्टर रीचिंग दुबई विदाउट यू आई रियलाइज इट इज़ बेटर टू ईट ब्रेड विथ लव दैन फाउल विथ ग्रीफ अब दुबई जाने के बाद ये जो भी इंसान है वो दुखी हो गया क्योंकि उसको उसका जुदाई हो गया अपने बिलविड से ओके okay, तो प्यार से घर में बैठ के नून रोटी खाता वही ठीक है न कि दूर जाके इतना दुख झेलना श्रिम्प दैट फॉल्स अ स्लीप गेट्स कैरीड अवे बाई द करेंट यहाँ पे देखिए श्रिम्प मतलब प्रॉन प्रॉन फिश ओके okay, इसको हिंदी में झिंगा भी बोलते हैं झिंगा फिश तो झिंगा फिश देखिए ये इसका पानी में ही तो रहता है ना लेकिन अगर वो सो जाए सो जाए से मतलब है अगर वो केयरलेस हो जाए अलर्ट नहीं रहे तो क्या होगा करंट उसको बहा के ले जाएगा उसको जहाँ छिपना है जिसको पकड़ना है उसको पकड़ के रखना पड़ेगा नहीं तो ये जो करंट है वो उसको ले डूबेगा ओके तो इसका मतलब है इफ़ वी आर नॉट अलर्ट इन आवर एक्शंस देन वी विल फेस द डेंजर अगर हम लोग किसी भी सिचुएशन हो में हो अगर आप अपने घर में भी हैं ये देखिए ये प्रॉन जो है वो अपने घर में है पानी में है लेकिन फिर भी उसके साथ ट्रेजिडी हो सकता है वैसे ही हम लोगों को अपने घर में भी हो तो अलर्ट रहना है बाहर जाए तब अलर्ट रहना है ताकि कुछ डेंजर आए तो भी हम लोग अलर्ट रहने की वजह से उसको भगा सके उसको फेस कर सके ओके आई नो दैट यू आर अ बिजनेस टाइकून बट कीप योर आईज एवरीवेयर the shrimp that falls asleep gets carried away by the current jo jhinga carelessly so jata hai usko current jo hai jo ocean current hai usko current uh, current matlab chhal okay wo baha ke le jata hai tell me who is by your side and i'll tell you who you are आप बताओ कि आपके फेवर में कौन कौन है आपके side में कौन कौन है आपके friends कौन कौन है तो मैं बता सकता हूँ कि आपका नेचर कैसा है ओके okay? इसका मतलब है आपका जो कंपनी है ओके okay? आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बता देते हैं कि आपका नेचर कैसा है योर कंपनी टेल्स अबाउट यू अगर आप अच्छे की संगत में हैं तो आप भी अच्छे हैं क्योंकि संगत अच्छा है तभी तो आपने अच्छा संगत किया ओके okay? आप अच्छे हैं तभी आपने अच्छा संगत किया अगर आप बुरे रहेंगे तो बुरे के साथ संगत करेंगे तो इसका मतलब यही है स्टॉप रोमिंग अराउंड विथ बोयट्रस ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ बिकॉज एनी वन कैन टेल हो आर यू बाई नोइंग आर बाई योर साइड देखिए यहाँ पर बोयट्रस मतलब जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वाइल्ड है बोलने की तमीज़ नहीं है ऐसे बॉयज़ ओके तो अगर आप इसके साथ घूमेंगे बोयट्रस ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ के साथ तो लोग आपको भी बोयट्रस सोचेंगे आप भी डिसिप्लिन नहीं है आपके पास भी नेचर नहीं है आपके पास मोरालिटी भी नहीं है ऐसा सोचेंगे इसलिए आपको अपना जो कंपनी है अपना जो संगत है वो ढंग से चूज करना है डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू इसका मतलब है डोंट हार्म पीपल हु आर हेल्पिंग यू जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं या फिर पास्ट में आपको हेल्प किया उन लोगों को दुख मत दीजिए उन लोगों को प्रॉब्लम मत दीजिए उनको डिफेम मत कीजिए डोंट कम द कंपनी द कंपनी इज़ गिविंग यू सैलरी इन दिस हार्ड टाइम अवॉइड डिफेमिंग इट डोंट बाइट हैंड दैट फीट्स यू जिस कंपनी से आप जिस थाली में खा रहे हैं उस पे छेद मत कीजिए जिस कंपनी ने आपको सैलरी दिया उसको बदनाम मत कीजिए थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी है वो एडजस्ट कीजिए लेकिन उसको बदनाम मत कीजिए क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आपको भी सैलरी नहीं मिलेगी अ ट्री that इज बॉर्न ट्विस्टेड नेवर ग्रोज स्ट्रेट सी चाइल्डहुड हैबिट्स आर सेल्डम चेंज्ड जो इनिशियल पीरियड में टेढ़े मेढ़े होते हैं उसको बाद में जाके सीधा नहीं कर सकते जो टेढ़े मेढ़े हैं उसको बचपन में ही सीधा करना पड़ेगा ओके okay, जब उसका छोटा छोटा लीव्स स्टेम आना शुरू होगा अगर आप इसको तो बड़ा पेड़ होने के बाद में इसको चाहेंगे कि चेंज करें तो वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता ओके okay? इसका मतलब है बचपन में ही हम लोगों को इंस्टिल करना है गुड मैनर्स तभी हम लोग बाद में जाके एक संस्कारी यूथ देख पाएंगे नहीं तो ऐसे ही यूथ मिलेंगे जिनको मोबाइल के सिवा कुछ नहीं दिखता आई थॉट यू गेव अप स्मोकिंग बट इट वॉज़ रॉन्ग इट इज़ राइटली सेट अ ट्री दैट इज बॉर्न ट्विस्टेड नेवर ग्रोज स्ट्रेट देखिए यहाँ पर जो स्मोकिंग का इसको बुरी आदत लगा है वो चेंज अभी तक नहीं किया उसको लग रहा था कि उसने छोड़ दिया स्मोकिंग लेकिन छोड़ा नहीं है जो बचपन में रॉन्ग uh, हैबिट लगा है वो अभी तक नहीं गया इसका तो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टॉप योर ओके बाई दिस वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द सेशंस ऑन प्रोवर्वस अपार्ट फ्रॉम दिज If you wish uh, more proverbs, I will provide you with that. But for that, please be in touch with us and do message us if you have any issues in this proverbs. In these proverbs. Thank you everyone. We will meet in our next video. Till then, take care and study.